Hello students, I am your computer teacher. Now today explain a chapter 1st number system of class 7th. Okay student, what is a number system? Okay, I will tell you what is a number system. Today now read a कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें वो रीड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी नंबर्स में। एंड कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर्स, और डेसिमल नंबर को ऑक्टल्स में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर्स, कन्वर्टिंग अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद अ बाइनरी नंबर्स। देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। दे हेल्प टू काउंट एंड कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अर्ली डेज। ये हमारी हेल्प करता है, जो हम अपनी डेली यूज़ में जो काउंटिंग्स करते हैं, ये हमारी उसमें कैलकुलेट और काउंट करने में हमारी हेल्प करता है। और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम होता है, जो कि पुराने टाइम में कुछ लोग क्या होते थे कि काउंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे, कुछ पत्थर स्टोन्स और कुछ लकड़ीज वगैरह को यूज़ करते थे काउंट करने के लिए। तो और काउंटिंग करने के लिए हमारे पास पहले कोई भी नंबर नहीं होता था, तो उन्हें काउंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, यूनिट का यूज़ किया जाता था। क्या यूज़ की जाती थी, यूनिट यूज़ की जाती थी। किसके लिए, काउंटिंग करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूनिट का यूज़ करते थे। बट कुछ टाइम बाद हमारे पास कुछ नंबर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स का क्या किया, पार्ट्स को डेवलप किया गया। आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, फोर टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हैं। वी विल स्टडी अबाउट देम इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में उन्हीं चार नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से डेवलप किया गया, और उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी। अब देखो नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि हम जब भी एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि कीबोर्ड में जब भी हम इनपुट्स देते हैं, तो उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए टू जेड, स्मॉल भी होते हैं और कैपिटल्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं 0 to 9, और कुछ सिंबल्स भी होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, प्लस, हैश, डॉलर, परसेंटेज, इस टाइप्स के कुछ हमारे पास सिंबल्स भी अवेलेबल होते हैं। और किसके लिए होते हैं, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट कंप्यूटर उन लेटर्स, अल्फ़ाबेट और सिंबल्स को समझ नहीं पाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके समझाने के लिए कुछ कोड का यूज़ करते हैं, जो कि कोड्स क्या है, इन अल्फ़ाबेट्स को असाइन किए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है उसे समझ सके कि हमने उसे क्या इनपुट दिया है। अब हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, जो कि इट कैन ओनली हैव अ टू स्टेट। और उसके पास कितनी स्टेट्स होती हैं, टू स्टेट होती हैं, ऑन, ऑन का मीन्स होता है वन, ऑफ, ऑफ का मीन्स होता है ज़ीरो, जो कि यही लैंग्वेज समझता है, वन और ज़ीरो। बट जो भी हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं, वो किसकी लैंग्वेज में होता है, डेसिमल की लैंग्वेज में होता है। बट जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जो कि क्या होता है, वन और ज़ीरो की लैंग्वेज में होता है, जो कंप्यूटर समझता है। एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज, और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, सबको समझ में आ गया। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट किसको करता है, टू नंबर्स को कंसिस्ट करता है, ज़ीरो और वन। अ कंप्यूटर फर्दर कन्वर्ट द बाइनरी रिजल्ट्स इनटू द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द आउटपुट। जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या करता है, अपनी लैंग्वेज में जो हमारा, हमने इनपुट किस में देते हैं, डेसिमल में देते हैं, फिर वो उसे इन कन्वर्ट करके किस में कर लेता है, बाइनरी में, जो इनपुट लेता है अपनी समझने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, फिर जो उसका आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, वो वापस से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट को शो कराता है। अब नंबर सिस्टम कितने, फ्रेंड्स, अब नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर सिस्टम हमारे पास फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस क्या होता है, टू होता है, क्योंकि इसके जो डिजिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, ज़ीरो और वन होती है, इसी के डिपेंड करके जो इसका बेस बनता है वो कितना होता है, टू। और इसके एग्जांपल्स क्या होता है, ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन बेस टू, क्योंकि इस तरीके से हमने लिख लिया बेस टू। बेस टू क्यों है, क्योंकि इसीलिए हमारा जो बाइनरी का बेस है वो कितना है, टू, वो किस लिए है, ज़ीरो और वन है, इसीलिए इसका बेस क्या होगा,
टू। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या होता है? ऑक्टल नंबर होता है इसका बेस 8 होता है, क्योंकि जो इसमें जो हमारी काउंटिंग डिजिट्स होती हैं वो कितने से कितने होती हैं, 0 to 7 होती हैं, इसलिए इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है। और एग्जांपल 5010 (8), इसका बेस क्या हो गया, 8 हो गया। फिर है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या होता है, 10 होता है बेस, जो कि कितना, 0 to 9 होता है। एग्जाम्पल 2 4 5 base 10। डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर जो होते हैं जो हम डेली यूज़ में काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 16 बेस होता है, बट जो उसमें काउंटिंग यूज़ की जाती हैं वो 0 to 9 में यूज़ की जाती हैं, और जो 9 के बाद जैसे ही अकॉर्डिंग हमारे आगे इंक्रीज होता है तो उसके बाद अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जाता है 8 to 5। और एग्जाम्पल 3 8 16 क्यों है, 3 8 16 इसीलिए है कि जो मेरा 0 to 9 आपको पता है ये 3 हो गया, उसके बाद A to F अल्फ़ाबेट का यूज़ करूँगी, तो A का मीन्स क्या होता है, 10, B का मीन्स 11, C का मीन्स 12, D का मीन्स 13, E का मीन्स 14, F का मीन्स 15। अब उसी तरीके से मेरा E क्या है, E का मेरा क्या है, 14, क्या जाएगा, 14 8। मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, एवरीवन अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी। हम डेसिमल नंबर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। अब देखो जो डेसिमल नंबर्स है वो कितना है हमारा, 45, 10, बेस क्या है हमारा, 10, क्योंकि हमारा किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी में कर रहे हैं, तो कितना आया, 45 डेसिमल नंबर, और ये इसका बेस हो गया, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब कैसे करेंगे, अब हम जब भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दिया 45 में, कितने टाइम्स किया, 42, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 1, तो 1 लिख दिया। हम इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो भी इसका रिमाइंडर बच के आता है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 22 को कितने टाइम्स किया, 11, तो कितना आया, 0, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 0, 2 का डिवाइड दिया 11 में तो कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, तो कितना आया, 1 रिमाइंडर बचा, 2 का 5 में देंगे कितना गया, 4, तो कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, कितना बचा, 4 में से 5 में से 4 गया तो 1, 2 से डिवाइड देंगे 2 में तो कितना आया, 1, क्योंकि 1 टाइम जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 2 का 1 में देंगे क्या आएगा, 0, 1 हमने एज इट लिख दिया। तो जो हमारा इसका जब बाइनरी में करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 1 की फॉर्म में हमारा आ गया, जो बाइनरी के जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 0 1 की लैंग्वेज में आएगा। तो हम नीचे से चलेंगे MSB to LSB, क्या चलेंगे, MSB to LSB। MSB का होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एंड LSB to least सिग्निफिकेंट बिट्स। तो क्या करेंगे, 0 1 1 1 0 1, ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, बाइनरी की लैंग्वेज में। 45 डेसिमल नंबर हो गया, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10110 बेस 2, क्योंकि किस में कन्वर्ट किया है हमने, बाइनरी में, जिससे हमें ये पता चले कि हम किसको 10 क्यों है, क्योंकि डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने ना बेस से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेसिमल टू हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसी तरीके से सेकंड कन्वर्जन है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। अब हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल का नंबर वही रहा 2 5 6 8 base 10, अब किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बेस 8 लगा दिया, किससे हमें पता चल जाए किस में कन्वर्ट करना है। सेम उसी तरीके से डिवाइड देंगे 8 का डिवाइड देंगे 2 5 6 8 में, तो कितने टाइम्स गया, 3 2 1, कितने टाइम्स गया, 3 2 1 में गया, जो रिमाइंडर बचा कितना टाइम्स गया, 0, 8 का डिवाइड 3 2 1 में दिया तो कितने टाइम्स गया, 40 टाइम्स, जो रिमाइंडर बच के आया कितना, 1, 8 का रिमाइंडर डिवाइड दिया 40 में, कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, रिमाइंडर 0, 8 का 5 में जा नहीं सकता तो हम यहाँ पे 0 लिख के एज इट 5 लिख देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 5 0 1 0, तो क्या आ जाएगा, 5 0 1 0 base 8, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए हमें किस में कन्वर्ट किया है, ऑक्टल में। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन इज डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट,
डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, किसमें, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगी, 16 का डिवाइड देंगे 1000, हमारे पास डेसिमल नंबर कितना है 1000, इसमें डिवाइड देंगे 62 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बच के आया 8, 16 का डिवाइड दिया हमने 62 में कितने टाइम्स किया 3, बच रिमाइंडर कितना बच के आया 14, 16 का 3 मैं जा नहीं सकता तो 0, 3 हमने रिमाइंडर ले लिया। लेने के बाद जो 14 है हेक्साडेसिमल में पता है सबको 0 to 9 डिजिट्स यूज़ होती हैं, उसके बाद क्या होता है A to F हमारी अल्फ़ाबेट्स यूज़ होती हैं, तो 14 कौन से नंबर पे आता है, ई पे, कितने पे आता है ई पे, तो हम क्या करेंगे 3E8 हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 14 8, हम इन दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब तक हमने क्या किया था, हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में किया और हेक्साडेसिमल में किया, बट अब बाइनरी नंबर में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में वापस से किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास, हम किसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में, किस में कर रहे हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद क्या है, ये 100101, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर है, क्या है ये, बाइनरी नंबर। अब देखो मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बाइनरी नंबर लिख लिया, बाइनरी नंबर लिखने के बाद मैं इन सबको क्या दे दूँगी, पावर्स दे दूँगी, क्या दूँगी, पावर। अब मैं किस में कर रही हूँ, बाइनरी में कर रही हूँ, तो मेरे जो बेस होगा वो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। हम इसमें हमेशा कैसे चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, क्या चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब हमने इनको वैल्यूज़ दे दी, 2 की पावर 1 की वैल्यू हमेशा हमारे नंबर सिस्टम में क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1। अगर 8 की पावर 0 होगी तब भी 1 आएगा, 16 की पावर 0 होगी तब भी 1 आएगा, 10 की पावर 1 होगी तब भी 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 तो कितना आया, 2, ठीक है, 2 की पावर 2 तो कितना आई वैल्यू, 4, 2 की पावर 3 कितना आया, 8, 2 की पावर 4 कितना आया, 16, 2 की पावर 5 कितना आया, 32 पावर्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ और बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कि वैल्यू का और बाइनरी नंबर्स का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0, 4 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 4, 8 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0, 16 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0, 32 में 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 32। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। अब प्लस कैसे करेंगे, 1 लिख दिया, 0 4 0 0 32 प्लस कर दिया, 32 को प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आया, 37 10। सबको समझ में आया कि बाइनरी को हम डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद बाइनरी नंबर। अब हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को बाइनरी नंबर्स में सम करेंगे, जिस तरीके से हम डेसिमल नंबर मतलब कि एडिशन करते हैं 1 2 3 4 5 का, अब उसी तरीके से बाइनरी नंबर्स का हम एडिशन किस तरीके से करते हैं। देखो फर्स्ट उसमें क्या होता है, कुछ केसेस होते हैं, सबसे पहले केस होता है अगर ए प्लस बी, तो हम 0 + 0 आ रहा है तो क्या आएगा, सम कैरी, और कैरी क्या आएगा, 0, 0 + 1 तो सम क्या आएगा, 1, कैरी क्या आएगी, 0, 1 + 0 तो क्या आएगा, सम 1, कैरी 0, एंड 1 + 1 सम आएगा 0, कैरी आएगी 1। अब देखो प्लस करेंगे तो 0 + 0 क्या आएगा, 0, क्योंकि केस 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 0 + 0 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सम 0। उसके बाद 1 + 0 तो क्या आएगा, 1, 0 + 1 तो क्या आएगा, 1, 1 + 1 0, 1 + 0 0, 0 + 1 अब देखो यहाँ पे 1 + 0 क्या होता है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 + 1 क्या हुआ था,
अब यहाँ पे केस नंबर 4 अप्लाई हो गया, 1 + 1 क्या होता है 0, बट कैरी जो जाएगी वो क्या जाएगी 1 जाएगी। अब उसी तरीके से यहाँ पे 1 + 1 क्या आया 0, कैरी क्या गई 1। अब 1 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, 0 + 0 तो क्या जाएगा 1। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, 0 - 0 केस क्या बोलता है 0, कैरी भी क्या आएगी 0, 1 - 0 सम क्या आएगा 0 1, और कैरी क्या आएगी 0, 1 - 1 ऑब्वियसली सम भी 0 आएगा और कैरी भी 0 आएगी, 0 - 1 तो क्या आएगा 1 सम आएगा और कैरी भी हमारी सम आएगी। अब देखो 0 - 0 तो क्या आएगा 0, 1 - 1 तो क्या आएगा 1, और कैरी क्या जाएगी 0, मतलब कि केस 2 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 0 - 1 क्या आएगा 1, और कैरी क्या जाएगी 1, केस 4 अप्लाई हो गया, 1 - 1 क्या आ गया 0, 0 - 1 तो क्या आएगा 1, कैरी क्या जाएगी 1, 1 - 1 तो क्या आएगा 0, 0 - 0 क्या आएगी 0, कैरी भी 0 आ गई, 0 - 0 0, 0 - 0 तो क्या आएगा 0। अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया सबको, एडिशन आ गया। अब देखो अब हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम ए प्लस मल्टीप्लिकेशन बी, 0 × 0 करेंगे तो 0 आता है, कैरी भी क्या जाएगी 0, 0 × 1 तो 0 एंड कैरी भी क्या जाएगी 0, 1 × 0 0 और कैरी भी क्या जाएगी 0, 1 × 1 तो क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद 1 × 0 0 0 1 1 1 तो यहाँ पे क्या आएगा हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, क्रॉस जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं उसी तरीके से करेंगे, 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1, फिर से 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1। अब इनका क्या करेंगे एडिशन करेंगे, 0 का 0 हो गया, 0 + 0 कितना होता है 0, 0 + 1 1 + 0 क्या होगा 1, 1 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट है डिवीज़न, अब डिवीज़न करेंगे इसमें 10 का डिवाइड देंगे 1 - 1 - 0 में, तो 10 का जैसे ही नॉर्मली हम डेसिमल नंबर्स का डिवीज़न करते हैं सेम उसी तरीके से करेंगे, तो हम 10 का 11 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 0, 1 टाइम्स गया तो कैरी कितनी बची 1, माइनस करेंगे तो कितना आया 1, हमने क्या कर लिया 0 को उतार लिया तो कितना हो गया 10, 10 का 10 में देंगे तो कितना हुआ 1 टाइम गया, क्वांटिटी कितना आ गया 1, और माइनस करेंगे तो क्या आया रिमाइंडर 0, तो हमारा कितना आ गया 1। कम टू अ बुक एक्सरसाइज, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक, न्यूमेरिक कोड वेरीज फ्रॉम 0 to 225, जो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं हमारे वो कितने होते हैं 0 to 255 होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वो कितना यूज़ करते हैं 0, क्योंकि जो उनकी डिजिट होती है 0 to 9 होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 2। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितने डिजिट को कंसिस्ट करता है, डिजिट और लेटर्स को करता है, क्योंकि डिजिट कितनी होती है 0 to 9 और लेटर्स होते हैं 8 to F। और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है 8। कम टू अ ट्रू फॉल्स, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर वी यूज़ द बेस 2, यस 2। हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसका बेस यूज़ करते हैं 2 का, तो क्या वो ट्रू है यस ट्रू। 4 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म विद बाइनरी नंबर्स, यस, जो 4 टाइप्स के हमारे बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस परफॉर्म कर सकते हैं हमें, ट्रू। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है, नो, उसका कितना होता है 16 होता है, तो क्या जाएगा फॉल्स। इन बाइनरी मल्टीप्लीकेशन 1 × 1 = 1, जो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है जो उसका मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 1 होता है, ट्रू। मैथड ऑफ बाइनरी डिवीजन इज सेम एज द मैथड ऑफ डेसीमल एडिशन, फॉल्स। अब है नेक्स्ट टिक मार्क,
विच अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन नंबर सिस्टम, तो क्या आएगा, तो क्या जाएगा इसमें, बेस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग द हैज़ बेस ऑफ 16, 16 किसका बेस होता है, हेक्साडेसिमल नंबर का। विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ नंबर, नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू कौन डिसाइड करता है, बेस वैल्यू और बेस वैल्यू। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज बेस टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, जब हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, उसका ऑक्टल का बेस यूज़ करते हैं, 8। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स, कन्वर्ट 38 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। अब हमें 38 को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब देखो 2 का हमने वही डिवाइड करेंगे, डेसिमल को जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड देते हैं, 2 का डिवाइड देंगे 38 में, तो कितने टाइम्स गया, 19, तो क्या आ गया, 0। 2 का डिवाइड दिया 19 में, कितने टाइम्स गया, 9, क्योंकि 18 में से 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 1। 2 का डिवाइड देंगे 9 में तो क्या आ गया, 1। 2 का डिवाइड देंगे 4 में तो कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, 0। 2 का डिवाइड देंगे 2 में कितने टाइम्स गया, 1, तो क्या आ गया, 0। 2 का देंगे 1 तो क्या आ गया, 1 एंड 2 का 0, तो क्या आ जाएगा, MSB टू LSB चलते हैं, तो क्या होगा इसमें, 1 0 0 1 1 0 बेस 2, क्योंकि हम बाइनरी में से कन्वर्ट कर। राइट सम फीचर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, अब हमें क्या करना है, नंबर सिस्टम के कुछ फीचर्स को लिख। सबसे पहला फीचर्स क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज द टोटल ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो कितने डिजिट्स यूज़ करता है, 0 to 9 यूज़ करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट डिफरेंस प्लेस वैल्यू, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का जो कंसिस्ट करता है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को कंसिस्ट करता है। द प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर डिसाइड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द नंबर। जो डेसिमल नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू को जो डिसाइड करता है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड बेस वैल्यू डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमें डिफरेंस बताना है कि ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये कितने डिजिट को कंसिस्ट करता है, 8 डिजिट को, 0 to 7। और हेक्साडेसिमल क्या करता है, डिजिट्स और लेटर को कंसिस्ट करता है, जो कि क्या होती है, डिजिट होती है 0 to 9 और लेटर्स होते हैं A to F। और जो ऑक्टल का बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। एग्जांपल 5010 ब्रैकेट 8 और एग्जांपल 3E8 16। कन्वर्ट 5436 मतलब डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, वही 8 का डिवाइड देंगे 5436, हमने कितने टाइम्स किया, 4679 टाइम्स किया, रिमाइंडर बच के आया 4। 8 का डिवाइड दिया 679 में तो कितने टाइम्स गया, 84, जो रिमाइंडर बच के आया कितना आया, 7। 8 का डिवाइड दिया 84 में कितने टाइम्स गया, 10 टाइम्स, रिमाइंडर 4। 8 का डिवाइड 10 में दिया तो कितने टाइम्स गया, 1, रिमाइंडर 2। 8 का 1 में दिया तो क्या आया, 1 बचेगा, क्योंकि 8 में जा ही नहीं सकता, तो हमने 1 ले लिया। तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, MSB to LSB, तो 1 2 4 7 4 बेस 8, क्योंकि हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं।